नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से आज 17 दिसंबर के दिन जन आक्रोश निकाला जा रहा है शिंदे और फडणवीस की सरकार के खिलाफ। जहां एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना की गई और दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिला कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी यहां पर सियासत गरमाती हुई नजर आई है। शिंदे और फडणवीस की सरकार चुप्पी साधे हुए देखी गई है और मांग की गई शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द से जल्द इस पर अपना फैसला सुनाएं। यहां तक कि एनसीपी से सांसद महिला नेता सुप्रिया सुले ने अमित शाह जी से भी मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले पर वह अपनी राय रखें। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर उद्धव ठाकरे और भी तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शिंदे और फडणवीस की सरकार को राज्य में आए हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक दूसरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। दावे किए जा रहे हैं एमवीए की तरफ से कि 6 महीने के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। 13 जनवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा 16 विधायकों की अयोग्यता पर और 5 जनवरी को चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले समय में उनकी ही सरकार सत्ता में होगी और यहां पर उद्धव गुट को एक बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर अब दावे किए गए हैं शिंदे गुट की तरफ से कि 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर अब उद्धव गुट के उन विधायकों की एंट्री हो सकती है अब शिंदे गुट में। पहले से ही 55 विधायकों में से 40 विधायक बगावत कर बैठे और इसके बाद तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां तक कि सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव की चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो एकनाथ शिंदे ने यहां पर बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि साल 2019 में ही उनकी सरकार सत्ता में आनी चाहिए थी, लेकिन अब जो नज़ारा देखने को मिला है उसे देखते हुए यहाँ पर वह और भी तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के इस बयान से सियासत और तेज हो चुकी है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने 39 विधायकों के साथ बगावत की, उन्होंने कहा कि साल 2019 में ही हमारी सरकार आनी चाहिए थी, जो काम तब नहीं हो पाया वह 4 महीने पहले ही हुआ। उन्होंने कहा कि नासिक के 11 पूर्व नगर सेवक वर्षा बंगले पर उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे और बहुत ही कम समय में एकनाथ शिंदे की जो सरकार जो है वह काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। दूसरी ही तरफ यहां पर शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने भी अपनी बात रखी। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत का बड़ा खुलासा यहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री शिंदे के संपर्क में 10 से 12 विधायक हैं जो नए साल पर हमारे दल में शामिल हो जाएंगे। उनका कहना रहा कि नए साल में हम नया धमाका करेंगे, नए साल में महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक घटना होगी और जिसके चलते एकनाथ शिंदे गुट का प्रभाव बढ़ेगा। बीते कई दिनों से सरकार गिरने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन सरकार के पास 170 विधायकों का बहुमत है और इसके अलावा अगले साल यह आंकड़ा बढ़कर 180 से 182 विधायकों पर पहुंच जाएगा। इसलिए सरकार पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है और यह धमाका हमने 5 महीने पहले ही किया था। इस तरह से उन्होंने साफ तौर पर बड़ा दावा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 10 से 12 विधायक जो उनके संपर्क में बने हुए हैं क्या वह भी अब शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। और यह देखने से साफ तौर पर पता चलता है कि उद्धव गुट और भी ज्यादा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।